यह क्वेश्चन एनसीईआरटी 12th क्लास के मैथ बुक से टीचर साइज 7.2 का 36 नंबर क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यह देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन का सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, तो बेसिक कंसेप्ट ही इसमें यूज होगा। और इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे वह सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से था, यानी किसी वैल्यू को एज्यूम करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है और टोटल वैल्यू को जिसने एज्यूम किए थे उसमें कन्वर्ट कर देना है। अब यहां पर उसमें जो कंसेप्ट ये था कि अगर हम किसी को एज्यूम करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होना चाहिए, रिमेनिंग वैल्यू फाइंड आउट हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी आपका वही है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या एज्यूम करना है। क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म भी नहीं करना है, यह आसानी से एज्यूम करने से आ जाएगा। देखिए अगर इस पार्ट्स को हम लोग एक्स प्लस लॉग एक्स को जेड मानते हैं, देखिए लेट एक्स प्लस लॉग एक्स को हम क्या मानते हैं, जेड, और इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और जेड। यहां से हमारा यहां इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, और ये हमारा आ गया डी जेड बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर में तो हमारा क्या है, एक्स आ गया, क्योंकि यहां से एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स और यहां से क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, और ये हमारा क्या हो गया डी जेड बाई डी एक्स। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना और क्वेश्चन के अनुसार हमको सेट करना है, क्योंकि देखिए ऊपर x प्लस 1 है, नीचे x है, x प्लस 1 है, नीचे x है आ गया, और यहां पर क्या होना चाहिए dx होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, x प्लस 1 अगर लिखते डिवाइडेड बाय x इनटू dx इक्वल टू क्या कर देंगे dz। देखिए आपका क्वेश्चन अब वो उसी तरह का है। अब क्वेश्चन को आप लोग कैसे लिख लीजिए, तो x प्लस 1 और यहां से है x प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x और dx। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडल चेंज करके इस तरह से लोग लिख सकते हैं, x प्लस आप नहीं लिख सकते हैं इनटू, देखिए x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x और dx। ये क्वेश्चन है सेम है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा अरेंज करके लीजिए ताकि जो वैल्यू पुट करने में सुविधा हो। अब देखिए यहां से इसके लिए अपन ने क्या एज्यूम की, देखिए x प्लस log x इक्वल टू क्या किया है z, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा z स्क्वायर, और इतना वैल्यू इतना तो बराबर है, देखिए है ना, यानी जो हमारा क्वेश्चन में था उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे dz, क्यों क्योंकि इतना का वैल्यू क्या लाएंगे dz, यहां पर हमारा क्या है dz। अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन आ गया, ये इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो पावर में इंक्रीज होगा और उसी से डिवाइड होगा प्लस c, यानी आ गया z क्यूब / q + c। अब हम लोग जेड किसको एज्यूम किए, तो जेड एज्यूम किए हैं एक्स प्लस लॉग एक्स टू द पावर क्यू डिवाइडेड बाय 3 और प्लस क्या हो जाएगा सी, हमारा क्या हो जाएगा वन बाय 3 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाय 3 एक्स प्लस लॉग एक्स का पावर क्यूब प्लस सी
हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था देखने में और कितना आसानी से सोल्व हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन जब आप सोल्व करना स्टार्ट कीजिए तो सबसे पहले ना सोचिए कि क्या करना है, कुछ आइडिया आ जाए तो आगे फर्दर उसको सोल्व कीजिए, तब कोई भी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।